हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आप सबका। मैं मनीष, टीम फिजिक्स, सीएलसी सीकर। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, 12 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम होने वाला है। टाइम बहुत कम है, लेकिन सीएलसी हर कदम पर आपके साथ है। गुरु नीति और फिजिक्स इको के बाद सीएलसी आपके लिए लेकर के आया है डीसीएम टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज में मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जिस तरह के क्वेश्चंस नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, द पावर ऑफ प्लेन मिरर। अगर हम लोग प्लेन मिरर की बात करें तो इसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, और फोकल लेंथ इनफाइनाइट यानी कि पावर 0 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें क्या लिखा है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंटिंग नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज। नॉर्मली इंसिडेंस होने का मतलब क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या लिखा है, अ वॉच शोज टाइम एज 3:25 व्हेन सीन थ्रू अ मिरर टाइम अपीयर्स विल बी। तो जो भी टाइम है जब आप उसको मिरर में देखोगे बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको जो टाइम है उसको 12 आवर से माइनस कर देंगे। 12 आवर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना 1160, और इसमें से आप 3:25 को माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 8:35, यानी इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर। फोकस से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज भी बन रहा है। देन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज। सबसे पहले बात करें कॉनकेव मिरर की, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट यहां है और यहीं पर इमेज भी बन रहा है। ये रे अगर ऐसे गया होगा, इसी डायरेक्शन में लौट कर आ गया होगा, ये भी, तभी यहां पर जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बना। यानी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा जो फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पर होता है, और यहां कहीं हम लोग मान लें फोकल डिस्टेंस, ये फोकल पॉइंट है एफ। क्वेश्चन में ये डिस्टेंस दिया हुआ है 60। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द फोकल पॉइंट। तो अगर ये डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है तो ये एफ भी किसके इक्वल होगा, 60 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें क्या लिखा है, अ पर्सन वांट्स अ रियल इमेज ऑफ हिज ओन 3 times enlarged इमेज। खुद का इमेज बनाना है और 3 times enlarged रियल इमेज, ये ध्यान रखना। रियल इमेज का मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। वेयर शुड ही स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। अगर 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बस अब हमें क्या फाइंड करना है, यहां पर यू की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन था, एक तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू गिवन है, कॉनकेव मिरर लिखा है इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, और u की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लोग फॉर्मूला लिख दें, m इज इक्वल्स टू f बाय f माइनस u, लिख सकते हैं ना ऐसा।
अब वैल्यूज जो है उसको पुट कर देंगे, यू फाइंड करना है। एम की वैल्यू माइनस 3 है, एफ की वैल्यू माइनस 15, फिर यहां पर माइनस 15 माइनस यू ऐसा लिख देते हैं। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। माइनस 15 माइनस यू ये प्लस 5 के इक्वल है। अगर आप यू को उस तरफ ले जाओगे, 5 को इस तरफ ले आओगे, तो यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस 20 सेंटीमीटर। यानी इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 20 सेंटीमीटर। हमें तो डिस्टेंस फाइंड करना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप या तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो, या फिर इसके अलावा पहले मिरर फॉर्मूला यूज कर सकते हो। 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल्स टू 1 बाय एफ। इस फॉर्मूले से भी आप u की वैल्यू और v के बीच एक रिलेशन यहां से लिख दो। पहले m की वैल्यू जो है माइनस v बाई यू करके एक रिलेशन, फिर सॉल्व करते हैं तो भी आ जाएगा, ठीक है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, फोकल लेंथ, तो अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है बच्चों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखो 6 में क्या लिखा है। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, तो सिंपली ये कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखो 7th में क्या लिखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर एंड द साइज ऑफ इमेज इज ट्वाइस एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज। हमें u की वैल्यू बतानी है और यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा। साइज ऑफ इमेज ये ट्वाइस है। अगर वर्चुअल इमेज हुआ तो प्लस 2, और अगर रियल इमेज हुआ तो माइनस 2, ठीक है। अब यहां पर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू की वैल्यू फाइंड करनी है। या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, एम इज इक्वल्स टू एफ बाई एफ माइनस यू, ठीक है। मिरर के लिए ऐसा लिखते हैं, अगर लेंथ हुआ तो यहां पे प्लस आ जाएगा। आपको इसमें बस m की वैल्यू पुट करनी है और u फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व करके, जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। दो अलग अलग वैल्यूज हैं तो दो आंसर आएंगे, ठीक है। अब यहां पर आपको एक ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या है? चाहे हम लोग कॉनकेव मिरर की बात करें या कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, अगर मैग्निफिकेशन 2 के इक्वल है, प्लस या माइनस जो भी है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा ये फोकल लेंथ का या तो हाफ होगा या फिर 3/2 टाइम्स होगा। ये ट्रिक है, आपको डायरेक्ट याद रखना है बच्चों। तो बिना कैलकुलेशन के हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। देखो यहां पर फोकल लेंथ इसका 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट को या तो आप 10 सेंटीमीटर पे रख दो या फिर 30 सेंटीमीटर पे, दोनों ही कंडीशन में साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का डबल होगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखो 10 और 30 एक ही आंसर है, 30 सेंटीमीटर, 10 का कोई आंसर नहीं है, 10 ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? 30 सेंटीमीटर। आप चाहो तो यहां पर वैल्यूज को पुट कर सकते हो, जैसे ये प्लस 2 माइनस 2 है, बारी बारी से पुट करके देखें तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं इसमें वैल्यूज को पुट करके भी आपको बता देता हूं। पहले माइनस 2 ले लेते हैं, देखो बच्चों। अब अगर आप वैल्यूज को पुट कर दो, माइनस 2 इक्वल्स टू फोकल लेंथ कितना है? 20, और ये क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो माइनस मिलेंगे, ये 40 सेंटीमीटर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, माइनस यू, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 10 टाइम्स में आ जाएगा। तो माइनस 20 माइनस यू क्या आ गया? 10।
u को उस तरफ ले जाओ, माइनस 20 माइनस 10, ये u के इक्वल हो गया, u आ जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर। एक आंसर आया जब हमने m की वैल्यू माइनस 2 ली है। जब आप प्लस 2 लोगे तब उस कंडीशन में आंसर क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। लेकिन एग्जाम में इतना कैलकुलेट नहीं करते बच्चों, बस जो मैंने ट्रिक बताया वो आपको ध्यान रखना है। ट्रिक एक बार फिर से सुन लो, सिंपल सी बात है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर कॉनकेव मिरर, क्वेश्चन में ये लिखा हो कि साइज ऑफ इमेज, ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का डबल है, डबल या तो रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो अगर आपको फोकल लेंथ गिवन हो, इसके लिए पॉजिटिव होता है, इसके लिए नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड, तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, या तो एफ बाई टू होगा या फिर थ्री टाइम्स ऑफ एफ बाई टू होगा। ये आपको याद रखना है, और अगर ये कॉन्सेप्ट आप याद रखते हो बिना कैलकुलेशन का हम लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें क्या लिखा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी u की वैल्यू 30 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और फोकल लेंथ क्या दिया हुआ, 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ को हम लोग प्लस में लिखते हैं। अब फाइंड करना है इमेज का डिस्टेंस, इमेज कहां फॉर्म होगा, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें आप 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल्स टू 1 बाय एफ लिख दो। यू के बदले माइनस 30 हो जाएगा, माइनस 1 बाय 30, और एफ पॉजिटिव है, अगर आप उस तरफ लिख दोगे तो 1 बाय वी इक्वल्स टू 1 बाय 30 प्लस 1 बाय 30 आएगा, यानी कि 2 बाय 30, v की वैल्यू हो जाएगी 15 और पॉजिटिव आएगा प्लस 15 सेंटीमीटर। प्लस आने का मतलब है मिरर के पीछे फॉर्म होगा। ठीक है, इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। अब आगे बढ़ते हैं, इसका फोर्थ आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9th में लिखा है, अ लाइट वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 × 10⁴ हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 5 × 10⁷ मीटर, तो हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले v की बात करें, v क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 × 4, 20 × 10⁷। या फिर आप इसी को 2 × 10⁸ लिख सकते हो, तो ये आ गया स्पीड। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को हम लोग सी बाई वी लिखते हैं, 3 × 10⁸ बाई 2 × 10⁸, तो ये 1.5 के इक्वल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10th में क्या लिखा है, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स √2, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स गिवन है, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रेक्टेड रे इज। ध्यान से समझना बच्चों, एक रे ऑफ लाइट है 45 डिग्री पर इंसिडेंट हुआ, तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा, तो रिफ्रैक्ट होने का मतलब क्या है, यहां पर अगर आप इस एंगल को 45 डिग्री ले रहे हो, ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा रिफ्लेक्शन के लिए। रिफ्रैक्शन के केस में हमें स्नेल्स लॉ यूज करना पड़ेगा। देखो इसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स √2 है, ये एंगल को r लिख देते हैं, तो यहां पर मीडियम की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 है, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 sin 45 degree इज इक्वल्स टू √2 × sin r। अब sin 45 1/√2 होता है, ये भी √2 नीचे आएगा, तो 1/2 आ जाएगा ना, 1/2 sin r के इक्वल है, r की वैल्यू क्या हो जाएगी,
30 डिग्री, ध्यान से समझना, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री और ये एंगल 45 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 60 + 40 = 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर भी आपको एक ट्रिक बता दूं, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ध्यान देना बच्चों, अगर हम लोग मान लें कि इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यहां पर एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है अप्रोक्सीमेटली, यहां कोई पॉइंट है, ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस को y मान लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही दिया होगा, उसके बाद में करेंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लो। अब अगर यहां से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस सरफेस से x डिस्टेंस पर है ऊपर यहां पर रियरर मीडियम में, और यहां से अगर आप ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करोगे तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है उससे दूर दिखेगा। ऑब्जेक्ट अगर रेयरर मीडियम में है और उसको डेंसर मीडियम से ऑब्जर्व करें तो ऑब्जेक्ट और दूर दिखता है, लेकिन अगर इस मीडियम से, यानी कि आप यहां से ऑब्जर्व करें और रेयरर मीडियम से, और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो ऑब्जेक्ट पास दिखता है। जैसे अगर एक ग्लास है उसमें अगर आप पानी भर देते हो तो उसका जो बॉटम लेवल है वो थोड़ा रेज्ड दिखता है, तो डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट है और रेयरर मीडियम से देखें वो पास दिखेगा। ये y डिस्टेंस है, अगर आप इसको यहां से ऊपर से देखोगे नॉर्मली तो सरफेस से ये y by म्यू डिस्टेंस पे दिखेगा, लेकिन अगर इसको पानी के अंदर से या जो भी डेंसर मीडियम है वहां से देखें तो ये x डिस्टेंस सरफेस से म्यू x डिस्टेंस पे दिखेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, A fish in water refractive index n looks at a bird vertically above in the air. If y is the height of the bird and x is the depth of the fish from the surface, then the distance of the bird as estimated by the fish. यानी कि जब fish observe कर रहा है यहां से तो bird की distance हमें बतानी है बच्चों। यहां पे बर्ड मान लें, यहां पर फिश है, मीडियम की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n है, ऐसा है। अब देखो डिस्टेंस क्या दिया, वो y इज हाइट ऑफ द बर्ड, यहां से यहां का डिस्टेंस y दिया है, x डेप्थ ये x है। क्वेश्चन में लिखा है फिश ऑब्जर्व कर, फिश के ऑब्जर्व करने पर बर्ड की डिस्टेंस क्या होगी, तो यहां से ये सरफेस तक तो x है, इसके बाद ये जो y था कितने डिस्टेंस पर अपीयर होगा और दूर, n टाइम्स ऑफ y और ये x, आंसर हो जाएगा x प्लस एन वाई, यानी इसका फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखो इसमें क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इट्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विल बी, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को सी बाय वी लिखते हैं, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5 × 10⁸, ये किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल, ये कैंसल और इससे ये 2 टाइम्स में कैंसल, आंसर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर द एंगल, द इंसिडेंट एंगल इज थीटा 1 एंड रिफ्रैक्टेड एंगल इज थीटा 2। क्वेश्चन को एक बार समझ लो, एक तरफ हम लोग ग्लास मान लें और दूसरी तरफ एयर, क्वेश्चन में क्या लिखा है, द इंसिडेंट एंगल इज थीटा 1, कहां से आ रहा है ये देखो, ग्लास से आ रहा है ना, ग्लास से ये एंगल थीटा 1 और उसके बाद एयर में जा रहा है यहां पर ये एंगल थीटा 2। द ट्रू रिलेशन इज थीटा 1 और थीटा 2 ये जीरो नहीं है, यानी नॉर्मल इंसिडेंस का केस नहीं है। तो देखो एयर ये रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम में ये एंगल ज्यादा होगा, थीटा 2 ज्यादा और थीटा 1 कम हो जाएगा, ऐसा कंडीशन होगा।
और ये सेकंड ऑप्शन में लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर टू। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसमें क्या लिखा है? अ मार्क एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड अपीयर्स टू राइज बाय 0.1 मीटर, यानी कि डेल्टा टी गिवन है 0.1 मीटर, द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज 1 मीटर, देन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं, डेल्टा टी इक्वल्स टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। बस अब इसमें डेल्टा टी गिवन है, टी गिवन है, एक ही तो अननोन है म्यू, म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। डेल्टा टी है 0.1, टी की वैल्यू 1, ये 1 माइनस 1 बाय म्यू, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय म्यू। 1 बाय म्यू को इस तरफ ले आओ, ये 1 माइनस 0.1 होगा, यानी कि 0.9। म्यू को उस तरफ ले जाए और 0.9 को यहाँ नीचे, तो यह 1 बाय 0.9 हो जाएगा, जिसको आप 10 बाय 9 लिख सकते हो, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, यह है क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन है, देखो बच्चों उसमें क्या लिखा है? मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ स्लैब ऑफ थिकनेस टी इज, इसमें मैं कैलकुलेट नहीं करना, ज्योमेट्री से आंसर करना है, ध्यान से समझना। ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब अगर आप कंसीडर कर लो, रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ है, और फाइनली इस तरह से ये पैरेलल इमर्ज हो रहा है ऐसे। अब ये डिस्टेंस ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अगर आप ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाओ और ज्यादा इंक्रीज कर दें, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा। देखो ये डिस्प्लेसमेंट इससे ज्यादा है, तो लिमिटिंग कंडीशन में हम लोग ये एंगल बढ़ा करके कितना लिख सकते हैं? ये जो एंगल है लिमिटिंग कंडीशन में 90 डिग्री रख सकते हैं। अब 90 डिग्री का एक कंडीशन हम लोग ड्रॉ करते हैं, मान लें 90 डिग्री पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ है, तो ये क्रिटिकल एंगल पर जाएगा, ये एंगल क्रिटिकल एंगल है, फिर यहां से ये भी क्रिटिकल एंगल है, अब ये इस डायरेक्शन में, यानी ग्रेजिंग इंसिडेंस हुआ है, यहां से भी ये बिल्कुल सरफेस के अलोंग मूव करते हुए बाहर की तरफ चला जाएगा। अब अगर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का डिस्टेंस हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, तो ये किसके इक्वल हो सकता है? इस स्लैब के थिकनेस के इक्वल, यानी मैक्सिमम जो थिकनेस पॉसिबल है, मैक्सिमम सॉरी लेटरल डिस्प्लेसमेंट, वो किसके बराबर होगा? इस स्लैब के थिकनेस के बराबर, करेक्ट आंसर टी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, देखो इसमें क्या लिखा है? द क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2 दिया हुआ है, हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, फॉर्मूला होता है साइन सी इक्वल्स टू 1 बाय म्यू। अब म्यू की वैल्यू 2 गिवन है, सी हो जाएगा 30 डिग्री, सिंपल है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर 4। ऐसे आप मान लो, ये डायमंड है और ये एयर है, रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है क्रिटिकल एंगल पर और इधर जा रहा है ये 90 डिग्री पर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन सी बाय साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू म्यू 2 बाय म्यू 1, तो यहां से ये रिलेशन आ जाता है, वैल्यूज को पुट कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है मिराज इज अ फेनोमेना ड्यू टू, मिराज जिसे आपने कभी सुना होगा या देखा भी होगा, ऑब्जर्व किया होगा, डेजर्ट एरिया में जब गर्मियों के दिन में बहुत दूर में ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पानी जैसा दिखता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हमें इमेज दिखता है चीजों का, जैसे अगर कोई ट्री है तो ट्री का इमेज दिखता है, इवन आप रोड पर भी चलते हुए देख सकते हो बच्चों, कभी गर्मियों के टाइम में रोड पर भी ऐसा लगता है कि वहां पे पानी रखा है दूर में, जिसके कारण कि हमें इमेज सा दिख रहा है, लेकिन जब आप पास जाते हो तो वहां पर पानी होता नहीं है,
तो ये जो भी रीजन है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, मिराज के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें लिखा है अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट एट अ डेप्थ ऑफ एच इन वाटर ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3। द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सर्फेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट एमिट्स इज। अब सरफेस पर हम लोग ऐसा मान लेते हैं ये एक सर्कल सा बन रहा है, ये हाइट h, यहां पर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, यहां पॉइंट सोर्स मान लें 90 डिग्री पर इस तरह से गया, तो ये जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल होगा और ये रेडियस यहां से यहां तक ये रेडियस r है। हमें क्या फाइंड करना है, r फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल एंगल लिखते हैं, साइन सी 1/μ होता है। यहां वाटर के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स गिवन है, म्यू इज इक्वल्स टू 4/3। आप इसको पुट कर दो, 4 नीचे आएगा 3 ऊपर आएगा, ये साइन थीटा हो गया। अब अगर यहां से 10 थीटा या 10 सी की वैल्यू फाइंड करनी हो, देखो ये परपेंडिकुलर है 3 और बेस हम लोग क्या लिख सकते हैं 4² - 3² यानी कि √7। और 10 सी अगर आप इस ट्रायंगल की बात करो, 10 सी ये परपेंडिकुलर आर और ये बेस एच यानी कि R/H, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/√7। फाइंड क्या करना है, R रेडियस, तो R हो जाएगा 3H/√7 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखो बच्चों 19 में लिखा है अ रे ऑफ लाइट प्रोपगेट्स फ्रॉम ग्लास हैविंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 3/2 टू वाटर हुज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज 4/3। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इज, हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले आप ये देखो कि एक तो मीडियम है ग्लास और दूसरा मीडियम है वाटर। डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट अगर रेयरर मीडियम में जा रहा हो तभी तो क्रिटिकल एंगल की बात कर सकते हैं, है ना, तभी क्रिटिकल एंगल होगा TIR, यानी कि ये डेंसर मीडियम होगा, इसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ये ग्लास होगा और ग्लास की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 3/2। दूसरा मीडियम वाटर है और इसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ये 90 डिग्री, ये एंगल C। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, C फाइंड करना है, तो क्या लिख सकते हैं, साइन C बाय साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू √2/μ1। ये तो 90 डिग्री 1 हो जाएगा साइन सी को। अब देखो √2 की वैल्यू ये 4/3 है और √1 की वैल्यू 3/2 है, तो आप इसको लिख सकते हो 4/3 और ये 3/2 2/3 में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। यानी कि सी को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 8/9 और साइन इनवर्स 8/9 ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखो बच्चों इसमें क्या लिखा है, द क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम इज 60 डिग्री, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज। फिर से फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, साइन सी इक्वल्स टू 1/μ। अब यहां पर क्रिटिकल एंगल गिवन है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री को हम लोग 1/μ लिख देते हैं। साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, √3/2 के इक्वल, तो म्यू की वैल्यू यहां से आप लिख सकते हो 2/√3, यानी इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 में क्या लिखा है, ग्लास हैज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू With respect to air and the critical angle for the ray of light going from glass to air is theta. Yeah, critical angle given है। If a ray of light is incident from air to glass, अब उल्टा हो गया।
क्रिटिकल एंगल की जब हम लोग बात करते हैं तो रे ऑफ लाइट को ग्लास से एयर में जाना चाहिए, अभी रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में पास हो रही है, ठीक है। विद एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, इसी एंगल के साथ तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। सबसे फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन दिया है कि थीटा क्रिटिकल एंगल है, तो साइन थीटा को आप 1/μ लिख सकते हो, ठीक है। ये म्यू क्या है? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये म्यू यहां पर 1, अब रे ऑफ लाइट ये इस मीडियम से आ रहा है, एयर से ऐसे, ये एंगल है थीटा, और रे ऑफ लाइट अब ग्लास की तरफ जा रहा है ना, तो ये एंगल हमें फाइंड करना है, इस एंगल को आर मान लेते हैं। आर के लिए अब स्नेल्स लॉ यूज कर लें, देखो 1 × sin θ इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन आर लिख सकते ना, म्यू इंटू साइन आर, हमें इसमें से आर की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू पहले से पता है 1/μ, अगर यहां पर आप 1/μ पुट कर दो, ये म्यू साइन आर के इक्वल है, तो साइन आर की वैल्यू 1/μ स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। यहां से लिखते हैं साइन आर इज इक्वल्स टू 1/μ स्क्वायर, देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/μ स्क्वायर। ये आर एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखो साइन इनवर्स 1/μ स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है, तो इसका थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा बच्चों, थर्ड आंसर इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 21 का। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है? क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज थीटा। मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, ठीक है, हम लोग ऐसा मान लें ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2, क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज थीटा। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज, मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट है v, देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज, इसको हम लोग v डैश लिख देते हैं, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ यूज करें, फॉर्मूला क्या होता है, साइन i बाय साइन r इक्वल्स टू म्यू 2 बाय म्यू 1, और म्यू 2 को हम लोग, जो भी म्यू है ना, म्यू को क्या लिखते हैं, v बाय, देखो म्यू ऐसे सी बाय वी लिखा जाता है, तो अब म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, तो म्यू 2 बाय म्यू 1 को आप वी 1 बाय वी 2 लिख सकते हो। फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड है वो वी लिखा है, सेकंड मीडियम का स्पीड वी डैश मानते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, इसमें वी डैश फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो साइन 90 तो 1 हो गया, आप लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल्स टू वी बाय वी डैश, वी डैश को इस तरफ ले आओ, वी डैश की वैल्यू हो जाएगी वी बाय साइन थीटा, और ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, देखो इसमें क्या लिखा है, इफ लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एक्स इन t1 सेकेंड इन एयर एंड 10x डिस्टेंस इन t2 सेकेंड इन अ मीडियम, देन क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम विल बी, ध्यान से समझना बच्चों, फिर से यहां पर एयर है, यहां पर कोई मीडियम हम लोग मान लेते हैं, रे ऑफ लाइट यहां से इंसिडेंट हुआ, यहां से ऐसे 90 डिग्री पर जाएगा, ये एंगल क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये क्रिटिकल एंगल ही फाइंड करना है, साइन सी को ऐसे लिख दो, साइन सी बाय साइन 90, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम यानी एयर का
ऐसे लिखते हैं, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का जो कि 1 के अप्रोक्स हम लोग लिखते हैं, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सी बाय वी होता है, स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सी तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है जो कॉन्स्टेंट है, वी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो आप इसको लिख सकते हो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोगों को क्या करना है, मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, एयर में स्पीड ऑफ लाइट, ये वैल्यू पुट करना है। देखो मीडियम में 10x डिस्टेंस t1 टाइम में ट्रेवल किया, स्पीड क्या हो जाएगी 10x बाय t1। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, साइन सी, साइन 90 तो 1 हो गया, वी मीडियम में ये 10x बाय t1 हो जाएगा ना, 10x बाय t2 लिखा है, t2 10x बाय t2। अब एयर की बात करें, क्वेश्चन में लिखा है कि x डिस्टेंस एयर में t1 टाइम में ये कवर कर ले रहा है, यानी कि आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो x बाय t1 और t1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, ये t1 लिखा है, x बाय t1। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, तो साइन c को आप 10t1 बाय t2 लिख सकते हो, या अगर आपको क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है तो साइन 10t1 बाय t2, साइन इनवर्स 10t1 बाय t2 है ना, ये c है, साइन इनवर्स चला जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें लिखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर फॉर ईच सरफेस। तो दोनों सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 है, फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, म्यू माइनस 1 बाय आर, ये r1 है, फिर माइनस 1 बाय r2। दूसरे सरफेस की अगर बात करें, देखो साइन कन्वेंशन लेते हैं, इधर से अगर रे इंसिडेंट हो रहा है, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, दूसरे सरफेस के लिए नेगेटिव। अब हमें इस कंडीशन में फोकल लेंथ फाइंड करना है बच्चों, म्यू की वैल्यू है 1.5, ये 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर यानी कि 2 बाय आर। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, ये देखो 0.5 है, 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा, तो 1 बाय आर, यानी कि फोकल लेंथ न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगा, हर एक सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर दिया है, फोकल लेंथ भी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, देखो बच्चों इसमें क्या लिखा है, अ थिन लेंस फोकल लेंथ एफ एंड इट्स अपर्चर हैज डायमीटर डी, इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ इंटेंसिटी आई, नाउ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अपर्चर अप टू डायमीटर डी बाय 2 इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक पेपर। अगर आप फ्रंट से देख रहे हो तो जो लेंस है उसका हाफ पार्ट, हाफ डायमीटर को, डायमीटर का हाफ, ठीक है, अगर यहां से यहां तक डी है तो डी बाई टू पार्ट को, इतने से पार्ट को कवर कर दिया गया है ऐसे, ठीक है। तो अब बचे हुए पार्ट से ही रे ऑफ लाइट पास हो सकते हैं। अब इसमें फोकल लेंथ और इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा ये हमें बताना है, ठीक है बच्चों। देखो अगर आप इसको साइड से देखोगे, लेंस आपको ऐसा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है यहां से मान लो इस जगह बन रहा था, तो अभी भी इस तरफ बनेगा अगर सेंट्रल पार्ट को आप कवर कर दे रहे हो, ठीक है ना, इमेज तो जहां बनना था वही बनेगा, फोकल लेंथ की जो पहले वैल्यू थी अब भी फोकल लेंथ की वही वैल्यू रहेगी, फोकल लेंथ में फर्क नहीं आएगा। लेकिन अब जो पहले जितने रेज पास हो सकते थे अब उससे कम रेज पास होंगे, यानी जो इमेज होगी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो कितना पार्ट एरिया जो है, पहले अगर हम लोग इसकी बात करें, ये रेडियस, इस रेडियस को हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं, ये वाला रेडियस 2r हो जाएगा,
कि देखो हाफ पार्ट को कवर किया डायमीटर, हाफ डी बाई टू कवर किया यानी रेडियस भी हाफ हो जाएगा। अब अगर आप एरिया की बात करो, पूरा एरिया कितना था, पाई इंटू टू आर का स्क्वायर यानी फोर आर स्क्वायर, ये पूरा एरिया था पहले। अब कितने से पार्ट को कवर कर दिया इसका हाफ, यानी कि ए डैश की अगर हम लोग बात करें तो पाई इंटू आर स्क्वायर ये हो जाएगा, यानी कि ए बाई फोर, ए बाई फोर पार्ट को कवर कर दिया गया है। तो बचा हुआ एरिया कितना रह जाएगा अब, ए माइनस ए बाई फोर यानी कि थ्री ए बाई फोर पार्ट बचा हुआ रह जाएगा। 3a by 4 पार्ट के करस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी होगी वो भी 3i by 4 हो जाएगी। तो फोकल लेंथ में चेंज नहीं हो रहा, इंटेंसिटी 3i by 4, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, देखो इसमें क्या लिखा है, इन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इफ इन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सर्फेस इज 10 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, देन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, हमें म्यू फाइंड करना है। बस लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपको यूज करना है बच्चों। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है यानी एक सरफेस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, एक सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी, अगर मान लो रे इधर से आ रही है, इस सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर को इंफिनिटी लिख दिया, इस सरफेस के लिए प्लस में आर, ठीक है। अब हमें यहां पर क्या फाइंड करना है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप एफ की वैल्यू पुट कर दो, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर दिया है ना, इसके लिए पॉजिटिव होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये 1/r, ये टर्म तो जीरो हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये 30 सेंटीमीटर दिया है क्या, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस 30 और ये 10 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 10 पुट कर दो, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। म्यू माइनस 1 ये 1/3 है, म्यू की वैल्यू ये 1 उधर ले जाए 4/3 हो जाएगा यानी कि 1.33, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ डाइवर्जेंट लेंस इज एम टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज, यहां पर क्या लिखा है, जो फोकल लेंथ है उसके एम टाइम्स डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है और लेंस कैसा है, डाइवर्जेंट लेंस, डाइवर्जेंट लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। अब लेंस के लिए जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं मैग्निफिकेशन का, एम डैश ले लें क्योंकि यहां पर एम जो है ना ये पहले से क्वेश्चन में यूज किया गया डिस्टेंस के लिए एक फैक्टर है, तो हम लोग एम डैश मान लेते हैं। ये फॉर्मूला एफ बाय एफ प्लस यू होता है, ध्यान रखना बच्चों, मिरर के लिए क्या लिखते हैं, एफ बाय एफ माइनस यू, लेकिन लेंस के लिए प्लस हो जाता है, तो बस आपको ये ख्याल रखना है। अभी ये जो हम लोगों को टर्म इसमें लिखना है, कॉनकेव लेंस है, डाइवर्जेंट लेंस है, तो फोकल लेंथ यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, फिर से नीचे भी फोकल लेंथ नेगेटिव साइन कन्वेंशन के साथ लिख रहे हैं, और यू, यू की वैल्यू भी नेगेटिव में आएगी, माइनस एम एफ ऐसा। अब अगर आप दोनों तरफ से यानी कि ऊपर भी माइनस एफ लिखा है, यहां भी माइनस एफ कॉमन ले लें, 1 प्लस एफ ऐसा लिख सकते हो ना, या माइनस से माइनस कैंसिल होगा, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, एम डैश की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1 बाय एम, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है, वन अ लेंथ ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन वन is placed in a liquid of refractive index N2, then the lens looks to be disappeared only if refractive index of both the medium is equal. यानी कि जो लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वही अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम का भी हो जाए, जिस मीडियम में या जिस लिक्विड में हमने डिप किया है, तो फिर लेंस डिसअपियर हो जाएगा, यानी इसके लिए कंडीशन क्या है, थर्ड, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है अ लेंस बिहेव्स एज अ कन्वर्जिंग लेंस इन एयर एंड अ डाइवर्जिंग लेंस इन वॉटर, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज। देखो एयर में कैसा बिहेव कर रहा है, कन्वर्जिंग लेंस जैसा, लेकिन जब हम लोग उसको वाटर में रखते हैं उसका नेचर बदल गया, यानी वाटर की जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगी वो ज्यादा है, लेंस की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है। ठीक है, तो किसी भी मीडियम के लिए जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो तो 1 से ज्यादा, लेकिन वाटर के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से ये कम होगा और वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ये 4/3 होता है। 4/3 को आप 1.33 लिख सकते हो, तो 1.33 और 1 के बीच में उस लेंस के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें लिखा है टू थिन लेंसेस आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट, द फोकल लेंथ ऑफ वन ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 12, फोकल लेंथ ऑफ अदर लेंस इज। फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 1/f1 + 1/f2 = 1/f equivalent। तो एक फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरा फोकल लेंथ अननोन है, इसको f2 नाम दे देते हैं। कॉम्बिनेशन के लिए फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, हमें क्या फाइंड करना है, इसमें f2 फाइंड करना है। तो आप ऐसे लिख दो 1/f2 = 1/12 - 1/20, एलसीएम ले लें फिर सॉल्व कर दें तो ये क्या आ जाएगा 2/60 यानी कि 1/30। तो f2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, इसमें लिखा है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन m व्हिच इज ग्रेटर देन 1, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड टुवर्ड्स द लेंस बाय 8 सेंटीमीटर देन अगेन एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन m इज ऑब्टेन्ड, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज। देखो क्या लिखा है कि पहले ऑब्जेक्ट जो है वो 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर था, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हम लोग ऐसा मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट पहले यहां पर था, ये डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है, अब इसका मैग्निफिकेशन m था, ऑब्जेक्ट को 8 सेंटीमीटर पास ले आते हैं, तो अब डिस्टेंस कितना रह जाएगा, ये भी 8 सेंटीमीटर ही रह जाएगा ना। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन m, उसके बाद फिर देखो क्या लिखा है, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द लेंस बाय 8 सेंटीमीटर अगेन सेम मैग्निफिकेशन m। अब एक केस में पहले रियल इमेज बन रहा था तो यहां पर वर्चुअल इमेज बनेगा, क्लियर, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ f की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, फॉर्मूला m के लिए हम लोग लिखते हैं अगर लेंस है तो f/f+u, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर एक कंडीशन में f, पहले हम लोग यहां पे लिख दें f - u के बदले 16, ये प्लस था ना, u की वैल्यू -16 ले रहे हैं साइन कन्वेंशन, और दूसरे कंडीशन में मैग्निफिकेशन नेगेटिव ले लेते हैं, समझ में आ रहा है, एक कंडीशन में अगर +2 मैग्निफिकेशन है तो दूसरे कंडीशन में -2 होगा, अगर एक कंडीशन में +3 मैग्निफिकेशन है दूसरे कंडीशन में -3 मैग्निफिकेशन होगा। एक रियल इमेज एक वर्चुअल इमेज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अपोजिट होगा, रियल इमेज के लिए नेगेटिव वर्चुअल के लिए पॉजिटिव, तो आप यहां पर माइनस साइन लगा सकते हो, यहां पर प्लस लगा दो या फिर यहां पर माइनस लगा दो, इस तरफ प्लस लगा दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा मैग्निफिकेशन अगर हम लोग लिखते हैं यहां पर f/f-, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है यहां पर 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 सेंटीमीटर पास ले आए तो बचेगा ये 8 सेंटीमीटर ही, माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव आ जाएगा, ये f से ये f कैंसिल हो गया, यहां नेगेटिव है, इस टर्म को उठाकर इधर ले आओ तो -f - 8, ये f-16 के इक्वल हो जाएगा, -f को उस तरफ ले जाओ, +8
प्लस एफ यानी 2f हो जाएगा। ये 8 प्लस में और 16 भी इधर प्लस में, 16 और 8 24 होता है, तो 24 2f के इक्वल है, f की वैल्यू हो जाएगी 24/2 और 24/2 इसका मतलब 12 सेंटीमीटर का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखो उसमें क्या लिखा है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5, द डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द स्फीयर। अगर यहां पर है ना सेंटर पे जितने भी रेज जाएंगे वो बिना किसी डेविएशन के सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। तो अगर आप इस दो रेज की बात करो, ये दोनों डाइवर्जिंग रेज हैं और यहां पर जो सेंटर है सेंटर से ही आते हुए अपीयर हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा है, इमेज भी सेंटर पर होगा, तो सरफेस से ये रेडियस के बराबर डिस्टेंस यानी 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 इसमें लिखा है, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 2। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.25 विल बी। पहले फोकल लेंथ 2 है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5। लेंस मेकर्स फॉर्मूला से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। सेकेंड कंडीशन में लिखा है, अब इस पूरे के पूरे सिस्टम को एक लिक्विड में जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.25 है उसमें इमर्ज्ड कर दिया, तो नया फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है। फोकल लेंथ अब आप एफ मान लो, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बदले अब यहां पर रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिखना पड़ेगा, म्यू बाय म्यू डैश। तो पहले 1.5 था, अब जिस मीडियम में रख दिया उस मीडियम के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दिया, यहां पर -1, फिर ये 1/r1 -1/r2 के इक्वल हो जाएगा। दो इक्वेशन आ गए, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब हम लोग इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। अगर आप 1 डिवाइडेड बाय 2 लिखोगे, ये f ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 1/r1 और 1/r2 ये पूरा का पूरा फैक्टर इधर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में कितना है 1.5 -1, नीचे जो टर्म होगा इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1.5 -1.25 और डिवाइडेड बाय 1.25 उसको हम लोग यहां ऊपर लिख दे रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये डिफरेंस कितना आएगा 0.5 और इस 2 को इस तरफ ले आते हैं। देखो F इक्वल्स टू, ये 2 को अगर आप इधर लाओगे ये 0.5 होगा, 0.5 × 2 1 आ जाएगा, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई में 1.25 है और नीचे ये कितना होगा 0.25। तो आप इसको 6 लिख सकते हो, 0.25 से ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स में, सॉरी 6 नहीं 5 टाइम्स में ना, 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 25 × 5 = 125 होता है। यानी कि फोकल लेंथ की वैल्यू अगर हमें पूछा जा रहा है तो फोकल लेंथ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखो 5 सेंटीमीटर ये थर्ड ऑप्शन लिखा है ना, सॉरी, तो इसका थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 इसमें लिखा है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ प्रोड्यूसेस एन इमेज 1/n टाइम्स देन दैट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट के साइज का 1/n टाइम्स इमेज का साइज है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, हमें यू की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ प्रोड्यूसेस एन इमेज, मैग्निफिकेशन 1/n है, ठीक है। अब रियल इमेज देखो, यहां पर n की वैल्यू 1 से ज्यादा है,
इसका मतलब जो साइज ऑफ इमेज है वो कम है, 1/n. साइज ऑफ इमेज कम होने का मतलब जो इमेज बन रहा है वो काफी दूर बन रहा होगा, रियल इमेज बन रहा होगा. रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव लिखते हैं बच्चों, ठीक है. बस इतना आपको ध्यान रखना है. अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे. लेंस है, फॉर्मूला होता है f by f plus u. m के बदले -1/n लिख दें, ये f by f plus u. इसके आगे सॉल्व करते हैं. देखो ये अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस एफ प्लस यू इक्वल्स टू एन इंटू एफ हो जाएगा. इस यू को इस तरफ ले लेते हैं, माइनस यू, ये एन एफ, ये माइनस है यहां पर प्लस, एन प्लस वन इंटू एफ, ये माइनस यू है. यू की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ डिस्टेंस चाहिए. तो ये n प्लस वन इंटू एफ हो जाएगा. करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा. ठीक है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 35 देखो, इसमें क्या लिखा है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज 0.08. तो लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन फाइंड करना है. फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एफ. ओमेगा की वैल्यू 0.08, फोकल लेंथ है 20. आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 1.6 सेंटीमीटर. करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. थर्टी सिक्स, इसमें लिखा है यूनिट ऑफ फोकल पावर ऑफ अ लेंस इज, सब बच्चों को पता है डायप्टर होता है. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3. अब आगे बढ़ते हैं. 37, इसमें लिखा है इन एन इक्विलेटरल प्रिज्म इफ एंगल इज, इंसिडेंट एंगल इज 45 डिग्री, देन मिनिमम डेविएशन इज, मिनिमम डेविएशन को हम लोग 2i माइनस a लिखते हैं. i की वैल्यू है 45 डिग्री और a की वैल्यू 60 डिग्री होगी क्योंकि इक्विलेटरल प्रिज्म है. तो ये 90 - 60 = 30 डिग्री. ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38. देखो 38 में क्या लिखा है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई ऑन अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रेक्टेड लाइट इज 90 डिग्री, देन द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड म्यू इज. जो हम लोग ब्रिस्टर एंगल की बात करते हैं बच्चों, वही कंडीशन है यहां पर. रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक पार्ट यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रहा है. ऐसे हम लोग एरो से और डॉट से इसके डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों. यहां पर जब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो 10i की वैल्यू म्यू होती है. यही तो है ब्रिस्टर्स लॉ. ठीक है, तो इसका सेकेंड आंसर करेक्ट होगा. थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये. अब क्वेश्चन नंबर 39 देखो, इसमें क्या लिखा है, अंडर मिनिमम डेविएशन कंडीशन इन अ प्रिज्म इफ अ रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज. क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं. ये एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं दिया है. क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, मिनिमम डेविएशन का कंडीशन है. तो मिनिमम डेविएशन के केस में आई और ई इक्वल होता है. ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, दोनों इक्वल होंगे. और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर क्या दिया है, 30 डिग्री.
लेकिन क्वेश्चन में एंगल ऑफ इमर्जेंस नहीं पूछा है, इसमें पूछ रहे इमर्जेंट रे और सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इन दोनों के बीच का एंगल बताना है बच्चों। अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें लिखा है इफ द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 40, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी, ये 60 डिग्री है इक्विलेटरल प्रिज्म में तो हर एक एंगल 60-60 होगा। मिनिमम डेविएशन का कंडीशन है तो आई और ई इक्वल होते हैं, ये रे इसके पैरेलल हो जाएगा, यानी ये एंगल 60 डिग्री होगा, फिर ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, बस इतना ही है। हमें क्या फाइंड करना था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, करेक्ट आंसर होगा 30 डिग्री, इसकी जरूरत ही नहीं। समझ में आया ना, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। ज्योमेट्री से सीधा सीधा आंसर करते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 में देखो क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, एक इस सरफेस से रिफ्रैक्शन है, एक इस सरफेस से, तो ये एंगल ही एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, इसमें लिखा है अ थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रेक्टिव एंगल 10 डिग्री इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.42, दिस प्रिज्म इज कंबाइंड विद अनदर थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.7, द कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, नेट डेविएशन क्या है 0, द रिफ्रेक्टिंग एंगल ऑफ सेकेंड प्रिज्म शुड बी, देखो नेट डेविएशन यहां 0 है, डेविएशन को हम लोग लिख सकते हैं एक तो म्यू माइनस 1a फर्स्ट प्रिज्म के लिए और सेकेंड का म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, ये सेकेंड प्रिज्म के लिए। ठीक है, अब म्यू माइनस 1 पहले प्रिज्म के लिए ये 0.42 होगा, इसमें से माइनस करने पर एंगल कितना दिया हुआ है 10 डिग्री, यहां पर म्यू डैश माइनस 1 ये कितना है 0.7 और ए डैश ये 0 के इक्वल है, ए डैश की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, ये इस तरफ अगर आप लिखोगे माइनस में आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करें ये 4.2 डिग्री आ जाएगा, 4.2 डिग्री, और यहां पर जो 0.7 है वो डिवाइड में आएगा, 0.7 आप इससे डिवाइड कर देना, तो डिवाइड करने के बाद ये 6 आ जाएगा। नेगेटिव साइन तो सिर्फ इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर एक प्रिज्म ऐसे रखा है तो दूसरा प्रिज्म उल्टा लिखा रखा होगा, ये ए है ये ए डैश, ए डैश कितना आएगा 6 डिग्री, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें लिखा है नियर एंड फार पॉइंट ऑफ अ ह्यूमन आई आर, ये रेंज ऑफ विजिबिलिटी की बात कर रहा है 25 सेंटीमीटर से लेकर इंफिनिटी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, इसमें लिखा है अ पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली ओनली अप टू अ डिस्टेंस, अप टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, हिज आई डिफेक्ट नेचर ऑफ द करेक्टिव लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ आर रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि 50 सेंटीमीटर से दूर की चीजें वो देख नहीं पाता, इसका मतलब उसको मायोपिया है, यानी हम लोग उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष, दूर की चीजें नहीं देख पा रहा, निकट दृष्टि दोष मायोपिया। ठीक है, अब मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, क्या फोकल लेंथ होना चाहिए वो फाइंड कर लेते हैं। इनफाइनाइट पर रखे ऑब्जेक्ट को देखना है लेकिन वो सिर्फ 50 सेंटीमीटर तक ही क्लियर देख सकता है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनना चाहिए 50 सेंटीमीटर पर। अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/v - 1/u = 1/f, v की वैल्यू है 50
u इन्फिनिटी माइनस या प्लस हो, ये तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव में आएगा ना, v माइनस लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, माइनस 50 सेंटीमीटर, नेगेटिव आया, कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस होगा, मायोपिया है और 50 सेंटीमीटर, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ये समझ में आ रहा ना आपको? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, देखो इसमें क्या लिखा है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंथ ऑफ अ टेलीस्कोप आर रेस्पेक्टिवली 200 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, द मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज, मैग्नीफाइंग पावर है, इसको भी हम लोग एम से ही रिप्रेजेंट करते हैं, अभी कैपिटल एम लिख देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस, यहां पर एफ ई आता है एफ ई बाई डी, ये एफ लिखा है, वैल्यूज को पुट कर देना है, माइनस एफ ओ देखो कितना है 200, आई पीस के लिए ये 5 लिखा है, फिर 1 प्लस 5 बाई 25, ये कितना होगा 1/5, और इस तरफ आप इसको 40 टाइम्स में ऐसे कैंसिल करके लिख सकते हो, 40 इंटू 1 प्लस 1/5 यानी कि 6/5, 5 से ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 8 इंटू 6 48, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, इसमें लिखा है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस इमेजेस ऑफ सेम मैग्निफिकेशन 2 व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस x1 एंड x2 वेयर x1 इज ग्रेटर देन x2 फ्रॉम द लेंस, द रेशियो ऑफ x1 एंड x2 इज, ध्यान देना बच्चों कॉन्वेक्स लेंस है जो ट्रिक मैंने बताया, मैग्निफिकेशन 2 है तो एक डिस्टेंस किसके इक्वल होगा 3/2f के इक्वल, और दूसरा डिस्टेंस ये 1/2f के इक्वल होगा। हमें क्या फाइंड करना है, x1/x2, तो जब आप x1/x2 लिखोगे 3/1 ये आंसर हो जाएगा, सिंपल है, ट्रिक याद रखो, कुछ कैलकुलेट नहीं करना, आंसर आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, ध्यान देना बच्चों, इसमें जो ग्राफ दिया है उसी को कंसीडर करके हमें आंसर करना है। क्वेश्चन में लिखा है द ग्राफ शोज हाउ द मैग्निफिकेशन एम प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन लेंस वेरीज विथ इमेज डिस्टेंस वी, यानी एम और वी के बीच एक ग्राफ दिया है, व्हाट इज द फोकल लेंथ। देखो बच्चों, अगर हम लोग लेंस की बात करें, यह लेंस है, फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। अब ये मैग्निफिकेशन m और v के बीच रिलेशन चाहिए, तो हम लोग ऐसा करते हैं v से मल्टीप्लाई कर दे सबको, ऐसा एक टर्म आ जाएगा, इसको m लिखते हैं, उस तरफ ले जाएं, ये 1-v/f इक्वल्स टू v/u, उस तरफ जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, जिसको हमने m से डिनोट कर दिया है। अब देखो m y एक्सिस पर ले रहे हैं, m इक्वल्स टू -1/f इंटू वी प्लस 1, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c जैसा एक ग्राफ बन रहा है, उसके लिए स्लोप है -1/f, क्योंकि हमारे पास यहां स्लोप पॉजिटिव दिया है, तो हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे बच्चों। ये किसके इक्वल होगा, देखो स्लोप की बात करें, यहां से ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये डिस्टेंस ग्राफ में सी गिवन है, ये डिस्टेंस बी गिवन है, तो जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, c/b। अब इसका रेसिप्रोकल कर दे तो फोकल लेंथ मिल जाएगा b/c, ये मैग्नीट्यूड मिल गया फोकल लेंथ का b/c के इक्वल, और ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, रॉन्ग आंसर बताना है, ठीक है। पिक द रॉन्ग आंसर्स इन द कॉन्टेस्ट विद रेनबो,
सबसे पहला लिखा है व्हेन द लाइट रे अंडरगोस टू इंटरनल रिफ्लेक्शंस इन वाटर इन अ वाटर ड्रॉप अ सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म्ड। सही है बच्चों, अगर प्राइमरी रेनबो होता है तो सिर्फ एक बार TIR होता है, लेकिन सेकेंडरी रेनबो में दो बार TIR होता है, टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस है। सही है, सेकेंड में लिखा है, देखो यहां ऑप्शन नंबर टू में द ऑर्डर ऑफ कलर्स इज रिवर्स्ड इन सेकेंडरी रेनबो। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकेंडरी रेनबो में जो कलर का ऑर्डर होता है वो प्राइमरी रेनबो के कंपैरिजन में उल्टा होता है। थर्ड ऑप्शन में लिखा है एन ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन। ये स्टेटमेंट गलत है, एक्चुअली रेनबो देखने के लिए सन को पीछे की तरफ होना जरूरी है, तभी उससे जो रे ऑफ लाइट आए और रिफ्लेक्शन जो ड्रॉपलेट्स हैं उनसे एक बार रिफ्रैक्शन फिर रिफ्लेक्शन और उसके बाद फिर से रिफ्रैक्शन, उसके बाद जब रे हमारे पास आती है तो प्राइमरी रेनबो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अगर एक रिफ्रैक्शन हो फिर दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिर एक रिफ्रैक्शन तो हमें सेकेंडरी रेनबो दिखता है। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, सन हमारे पीछे होना चाहिए। ये कंडीशन में लिखा है इन फ्रंट, तो ये गलत ऑप्शन है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट आंसर करना है जो रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर थ्री, फोर्थ में लिखा है रेनबो इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। सही है, डिस्पर्शन भी होता है रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी। ठीक है, तो इसके थर्ड ऑप्शन को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें लिखा है टू सिमिलर थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ ईच आर कोएक्स केप्ट कोएक्सली इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर सच दैट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज एफ वन। ऐसा लिख सकते हैं ना, दोनों कंबाइंड कंडीशन में तो ये 2/f हो गया, यानी हम लोग f1 को f/2 लिख सकते हैं। अब लिखा है व्हेन द स्पेस बिटवीन द टू लेंसेज इज फिल्ड विद ग्लिसरीन व्हिच हैज द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एज दैट ऑफ द ग्लास देन द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज f2। पहले क्या कंडीशन था, ये एक लेंस ये दूसरा लेंस दोनों कॉन्टेक्ट में है, अब इनके बीच का जो रीजन है ये गैप, इसको ग्लिसरीन से फिल कर दिया, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो अब हमें एक थिक लेंस जैसा मिलेगा, एक थिक लेंस मिलेगा और दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर अनचेंज्ड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो इसका फोकल लेंथ अगर हम लोग f2 लिखे ये एक लेंस के फोकल लेंथ के बराबर होगा, यानी f के इक्वल हो जाएगा। अब हमें f1 by f2 फाइंड करना है, तो f1 by f2 क्या हो जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, देखो बच्चों इसमें क्या लिखा है, अ वेसल ऑफ डेप्थ 2h इज हाफ फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2√2 एंड द अपर हाफ विद अनदर लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। The liquids are immiscible. The apparent depth of the inner surface of the bottom of the vessel will be. ध्यान से समझना बच्चों, ऐसा कुछ कंडीशन है, ये h और ये डिस्टेंस भी यहां पर हम लोग h कंसिडर कर लेते हैं। यहां पर एक लिक्विड फिल्ड है और यहां पर दूसरा लिक्विड है, इसके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया है √2 और दूसरे सरफेस दूसरे लिक्विड के लिए 2√2। अब ये बॉटम कितना रेस्ट दिखेगा, देखो फर्स्ट ये h h by mu हाइट ऊपर उठा हुआ दिखेगा, सेकेंड लिक्विड के कारण h by mu 2 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, टोटल इतने डिस्टेंस ऊपर उठा हुआ दिखेगा। ठीक है, हमें क्या बताना, एपरेंट डेप्थ, ये एपरेंट डेप्थ, ये समझ में आ रहा, ऊपर उठने के बाद ये एपरेंट डेप्थ लिखा है, जो रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट होता है, एक बार समझ लो। मान ले कि यहां पर कोई लिक्विड है, ये हाइट h और म्यू इसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, यहां से अगर आप नॉर्मली देखोगे तो ये जो बॉटम है ये बॉटम किस हाइट पर दिखेगा, किस डेप्थ पर, h by म्यू डेप्थ पर दिखता है। ठीक है ना, क्योंकि रेस्ट दिखता है और कितना शिफ्ट होता है
उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एच माइनस एच बाय म्यू, यानी कि एच इंटू वन माइनस वन बाय म्यू, इसको डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। या जनरल फॉर्म जो आपने पढ़ा है, डेल्टा टी इक्वल्स टू टी इंटू वन माइनस वन बाय म्यू, ये फॉर्मूला किसके लिए, स्विफ्ट के लिए है, और ये एपरेंट डेप्थ के लिए है। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, ये एपरेंट डेप्थ है यहां से यहां तक के लिए, ये एच डेप्थ पर है, और उसके लिए कितना डेप्थ फील होना चाहिए, एच बाई टू रूट टू, ये भी एच डेप्थ है, कितना डेप्थ ये फील होगा, एच बाई रूट टू। तो अब हमें जो एपरेंट डेप्थ चाहिए वो यहां से मिल जाएगा, आप इसको लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ टू एच बाई फोर, और ये रूट टू एच बाई टू, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा थ्री रूट टू एच बाई फोर। अब चेक करते हैं आंसर कौन सा सही है। देखो 3 बाई फोर एच रूट टू, ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, इसमें लिखा है फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज टेकन ऑन वाई एक्सिस, यानी कि यू को हम लोग एक्स एक्सिस पर और वी को वाई एक्सिस पर ले रहे हैं। द नेचर ऑफ ग्राफ सो ऑब्टेन्ड इज, पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा कि ये ग्राफ कैसा होगा। इधर एक्स एक्सिस पर यू को और वाई एक्सिस पर वी को हम लोग डिनोट कर रहे हैं। देखो ये प्लस एफ है, ये पॉइंट माइनस एफ है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो इमेज फोकल लेंथ पे बनता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं, एक पॉइंट आएगा जब ऑब्जेक्ट को 2f पे रखेंगे, इमेज भी 2f पे बनेगा, फिर और आगे जाने पर ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग फोकस से और पास लाते हैं, लेंस यहां पर रखा है, फोकस से और पास लाते हैं तो अब वर्चुअल इमेज बनने लगेगा, यानी कि अब वी नेगेटिव हो जाएगा, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा यहां तक। इसके बाद वर्चुअल इमेज की, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, अभी तक तो रियल ऑब्जेक्ट था, इसके बाद अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ तो इमेज ऐसा बन जाता है, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये हाइपरबोलिक कर्व कहलाता है, यानी इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। देखो इसमें क्या लिखा है, अ वाटर ड्रॉप इन एयर रिफ्रैक्ट्स द लाइट रे एस, चार अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं किसके जैसा होगा, ध्यान से समझना। मान लेते हैं यहां से एक रे इंसिडेंट हुआ है, ये सेंटर है, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ये नॉर्मल की तरफ इधर कहीं बेंड हो जाएगा, फिर से ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर जाएगा, रे यहां से ऐसे बेंड हो जाएगा, फिर इससे ये इस तरफ, यानी ऑप्शन नंबर टू हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहां से एक रे आ रहा है, ये फिर इस तरफ और इस तरफ, देखो ऐसे आप ड्रॉ करोगे, ये नॉर्मल की तरफ कहीं बेंड होगा, फिर से और नॉर्मल से ये दूर चला गया, अब तो ऐसा शेप बन गया, यानी ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। देखो इसमें क्या लिखा है, व्हेन द रेक्टेंगुलर मेटल टैंक इज फिल्ड विद द टॉप, फिल्ड टू द टॉप विद एन अननोन लिक्विड एन ऑब्जर्वर विद आईज लेवल विद द टॉप ऑफ द टैंक कैन जस्ट सी द कॉर्नर ई, यहां पर है कॉर्नर ई, अरे दैट रिफ्रैक्ट्स टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर एट द टॉप ऑफ द सर्फेस ऑफ द लिक्विड इज शो, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड विल बी, हमें ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, ठीक है। कंडीशन दिया हुआ है यहां पर, ये लेंथ गिवन है, अगर आप ऐसे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, यहां पर ये 90 डिग्री है,
ये एंगल क्रिटिकल एंगल होगा जिसको हम लोग सी से डिनोट कर देते हैं। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है तो म्यू इंटू साइन सी इक्वल्स टू, दूसरी तरफ एयर है, 1 इंटू साइन 90, ऐसा लिख देंगे। अब म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन सी को देखो यहां से ज्योमेट्री से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां देखो बच्चों, ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 3 है, तो ये लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब ये एंगल सी, तो साइन सी क्या लिखेंगे, 4/5, ये 4/5, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, म्यू की वैल्यू हो जाएगी 5/4 यानी कि 1.25। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 54, इसमें कैलकुलेट नहीं करना है, ऑप्शंस देख करके एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हमें आंसर करना है। बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ कॉनकेव मिरर एंड अ कन्वर्जिंग लेंस, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5, बोथ हैव फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर व्हेन इन एयर, व्हेन दे आर इन वॉटर देयर न्यू फोकल लेंथ आर, अगर हम लोग एक मिरर को वाटर में डिप कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके फोकल लेंथ पर, तो इसका मतलब मिरर का जो फोकल लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ऑप्शंस आप चेक कर लो, दो ऑप्शंस में 3 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट और थर्ड ऑप्शंस की। देखो अब लेंस है, लेंस को अगर आप पानी में डिप कर रहे हो तो फोकल लेंथ बदल जाएगा क्योंकि सराउंडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया। लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखते हैं, म्यू बाय म्यू डैश माइनस 1, यहां ये जो म्यू डैश है ना, चलो मैं पहले पूरा लिख दूं, लेंस में ये जो म्यू डैश है ये सराउंडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में रखा गया है लेंस को, तो अगर ये म्यू चेंज हो गया फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। अब देखो ध्यान देना, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट में ये चेंज हो रहा है लेकिन ये थर्ड ऑप्शन में अभी भी 3 सेंटीमीटर ही लिखा है, यानी इस थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेंस की भी फोकल लेंथ चेंज नहीं हो रही, ये इनकरेक्ट है। जब 3 इनकरेक्ट आंसर्स हैं तो एक ही आंसर करेक्ट होगा, हमारा आंसर मिल गया। ठीक है बच्चों, अदरवाइज आप फॉर्मूले पे पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, मैं फॉर्मूला लिख के आपको बता देता हूं। देखो एक तो फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, और दूसरे फॉर्मूले में जब आप 1/f डैश लिखोगे तो यहां म्यू बाय म्यू डैश माइनस 1 आ जाएगा। ऐसा कुछ आ जाएगा, पहले से फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, नया फोकल लेंथ फाइंड करना है, म्यू और म्यू डैश दोनों गिवन है, ये म्यू डैश है, म्यू डैश क्योंकि 4/3 सराउंडिंग के मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और ये लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, यहां पुट कर देना, डिवाइड कर देना, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर एक ही अननोन है एफ डैश मिल जाएगा, और सॉल्व करके वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, लेकिन इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। इसमें लिखा है अ स्लैब ऑफ ग्लास ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, द फेसेस ऑफ द स्लैब बीइंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, इफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर इज 40 सेंटीमीटर एंड द रिफ्लेक्टेड इमेज कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट, then the distance of the object from the mirror is, ध्यान से समझना बच्चों, ये एक मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, यहां पर एक स्लैब रखा है और इस स्लैब की थिकनेस गिवन है, थिकनेस 6 सेंटीमीटर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां कहीं है, देखो ये इस तरफ जा रहा था, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा और फिर ऐसे
यहाँ मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है, थोड़ा सा दूर जाने के बाद इसके पैरेलल ऐसे आप मान लो इस तरीके से। इमेज यहां से कहीं आता हुआ अपीयर होगा। अब अगर ये रे यहां से वापस लौट जाए, एक रे ऐसे गया बिना किसी डेविएशन के गया और टकरा कर फिर लौट गया, और एक ये रे, अगर ये दोनों रेज यहां मिल रहे हैं तो इमेज यहां बनता कब, जब ये स्लैब नहीं होता और ऑब्जेक्ट को यहां पे रखते। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये जो रे है ये इसके परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रहा है, ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर दिया है तो सी से ये पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है ये 40 सेंटीमीटर होगा। अब यहां पर ओ हम लोग कंसीडर करते हैं, ओ से सी का डिस्टेंस ये शिफ्ट है जिसको डेल्टा टी से डिनोट करते हैं, जितना इस रेक्टेंगुलर स्लैब के कारण शिफ्ट हुआ है। तो फॉर्मूला होता है डेल्टा टी इक्वल्स टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। टी की वैल्यू क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर गिवन है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है, ऐसा है। अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे 6 इंटू 0.5 बाय 1.5, तो ये क्या हो जाएगा, इससे 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 3 से ये 2 टाइम्स में, यानी कि 2 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है प्लस 2 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट को 42 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा, तब ऑब्जेक्ट का इमेज उस ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड करेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, इसमें लिखा है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर सो एज टू कन्वर्ज टू अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज इज फॉर्म्ड कोइंसिडेंट विद द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। एक रे ऐसे आया, फिर दूसरा रे ऐसे, मान लेते हैं इन सबको यहां पर कन्वर्ज होना था और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर गिवन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इमेज भी यही बन रहा है, यानी ये यहां से लौट गया होगा, ये भी यहां से लौट गया होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉर्मल इंसिडेंस था बच्चों, और नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 है, फोकल लेंथ इसका हाफ होगा यानी 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका 3rd ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, इसमें लिखा है द प्लेन फेसेस ऑफ 2 आइडेंटिकल प्लेन कॉन्वेक्स लेंसेज ईच विद फोकल लेंथ एफ प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर यूजिंग एन ऑप्टिकल ग्लू टू फॉर्म अ यूजुअल कॉन्वेक्स लेंस। दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस थे, उसको मिला करके एक बाई कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एट विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन द इमेज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है, इमेज का साइज भी वही है, यानी ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा होगा। ध्यान से समझना, ये एक लेंस है, इसका फोकल लेंथ क्या था f। अब दूसरा लेंस भी ऐसे कॉन्टेक्ट में ले आए, अब हमारे पास ऐसा एक लेंस बन गया। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की बात करें तो हम लोग ऐसे लिख देंगे 1 बाई f प्लस 1 बाई f, ये आ जाएगा 2 बाई f, यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो है ये f बाई 2 है। अब इस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहां 2fe पर, तो जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज भी बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ट्वाइस ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, यानी कि 2 इंटू एफ बाई 2
और ये फिर से एफ ही आ गया, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, एफ पर, ठीक है। हमें यही तो फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड कहाँ पे रखना है, एफ डिस्टेंस पर। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें लिखा है अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इमर्जेस फ्रॉम द अपोजिट सरफेस ऑफ अ स्फीयर व्हेन अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लाइज एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्फीयर इज। ध्यान से समझो बच्चों, ये एक स्फीयर है, यहां एक पॉइंट है और इस पॉइंट से रे ऑफ लाइट ऐसे आया, फिर फाइनली ये इसके पैरेलल ऐसे चला गया। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, 2R, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं U की वैल्यू होगी 2R, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव, और V जो है ये इंफिनिटी पर होगा, ठीक है। म्यू टू की वैल्यू ये 1 है, यहां एयर, और म्यू 1 की वैल्यू म्यू, और रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लेंगे क्योंकि रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है। फॉर्मूला यूज करते हैं, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू 1 बाय यू इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाय आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये तो जीरो हो गया, यहां माइनस से माइनस को कैंसिल कर दें, म्यू बाय 2R इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू बाय माइनस आर, आर से आर कैंसिल, माइनस को इधर ले आओ तो माइनस म्यू, और 2 को उस तरफ ले जाओ 2 माइनस 2 म्यू, ठीक है। तो अब 2 म्यू को अगर आप इधर लाओगे तो 2 म्यू माइनस म्यू, यानी कि म्यू ये 2 के इक्वल होगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, इसमें लिखा है अ थिन रॉड ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ इज कैप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ सच दैट इट्स इमेज इज रियल एंड मैग्निफाइड एंड वन एंड टचेस द रॉड देन मैग्निफिकेशन ऑफ द रॉड विल बी। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ लो, एक कॉनकेव मिरर है, अब इस कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउ एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। देखो 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया है और रॉड का लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे रखा गया है कि इमेज, देखो एक एंड, वन एंड टचेस द रॉड, मैग्निफाइड इमेज बन रहा है, रियल और मैग्निफाइड इमेज, और इमेज का एक एंड ये ऑब्जेक्ट के एक एंड को टच कर रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर कहीं ये ऑब्जेक्ट रखा है और इसका जो इमेज बनेगा वो यहां से शुरू होगा, ठीक है, और मैग्निफाइड है तो ऐसे। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस पॉइंट को ए मान लो, यहां पर ये ए डैश बन जाएगा, ए का इमेज यहां पर, और इस पॉइंट को बी मान लो तो यहां बी डैश बन गया, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन रहा है, इसका मतलब ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, 2f के इक्वल होगा। अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ये 2f का मतलब 20 सेंटीमीटर पर है। यहां से यहां तक का लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। ध्यान देना बच्चों, फिर से देखो, ये 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का 3/2 टाइम्स है, यानी 1.5 टाइम्स। तो सिंपली आपको अब कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्ट आप कह सकते हो कि इमेज 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा, मैग्निफिकेशन 2 होगा, यानी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। देखो यहां से यहां तक 20 है, यहां से यहां तक 30 है, तो ये डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ इमेज ये 30 माइनस 20 होगा, यानी 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ इमेज है, 5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। मैग्निफिकेशन की बात करें तो ये आ जाएगा 2 के इक्वल, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, देखो इसमें क्या लिखा है, अ लेंस व्हेन प्लेस्ड ऑन अ प्लेन मिरर देन ऑब्जेक्ट नीडल एंड इट्स इमेज कॉन्साइड्स एट 15 सेंटीमीटर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ये 15 सेंटीमीटर है तो इसका इमेज भी यही बन रहा है, लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, हम लोग लेंस को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये इमेज को ऐसे, और एक प्लेन मिरर जो इसके कांटेक्ट में है थोड़ा दूर ड्रॉ किया है जानबूझकर ताकि आप आसानी से समझ पाओ। देखो रे वापस लौट करके आया होगा यहां से, तभी तो जहां से इमेज बना चला था, ये ऑब्जेक्ट है यहीं पर इमेज बनेगा, क्वेश्चन में ये लिखा है ना कि इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही पॉइंट पर है, तो ये जो रे गया ये लौट कर आना चाहिए इसी पाथ पर, अपने ही पाथ को रिट्रेस करना चाहिए। ध्यान देना बच्चों, यहां से रे गया इस सरफेस पर, ये 90 डिग्री पर आएगा तभी लौट कर जाएगा प्लेन मिरर पर, और 90 डिग्री पर आने का मतलब क्या है, प्लेन मिरर पर ऐसे आ रहा है, यानी कि ये लेंस से ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, ठीक है, और वो तभी जाएगा जब ये डिस्टेंस फोकल लेंथ के इक्वल हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब फोकस पे रखते हैं तब इमेज इंफिनिटी पर बनता है, तो ये फोकल लेंथ के इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन में ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब फोकल लेंथ भी 15 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सिंपल था बच्चों, तो ये है इस पेपर का सॉल्यूशन, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस इजी लगे होंगे, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस जरूर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन नहीं है, तो उम्मीद है ये जो पेपर है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।